अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मैं रैंडम स्क्वाड के साथ खेल रहा था, तो यहाँ हमारी लॉबी में हाउ पेक्ट्रोन, हाउ ब्रांड, हाउ वाइट लाइव, काला बाबा, यंग की स्क्वाड आ जाती है। तो यार रैंडम स्क्वाड के साथ खेलकर आप मतलब एंड तक सरवाइव करो या इतनी अच्छी स्क्वाड से फाइट ले लो, मतलब पॉसिबल नहीं होता बाज़ औक़ात। तो ऐसा ही होता है इसी गेम प्ले में मेरे साथ भी, इनके साथ मेरी फाइट नहीं होती और जल्दी फिनिश हो जाता हूँ। ठीक उसके एक दो दिन बाद ही मैं अपनी टीम के साथ खेल रहा होता हूँ, हाउ ब्रांड वाले इत्तेफाक से फिर हमारी मतलब लॉबी में आ जाते हैं। फिर भैया जी जो होता है ना वो तो हाउ ब्रांड को ही पता होता है। तो पर ये मेरा लास्ट प्लेयर होता है यहाँ का, उसके बाद उस दिन की ये गेम प्ले चालू। तो ये मार डी के वाई टी भैया भी आ रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी गेम खेल रहे होते हैं, इनके काफ़ी किल मैसेज आ रहे होते हैं। तो यहाँ एक मुझे बोर्ड फायर दे रहा होता है एक बंदा, हालांकि इसकी लोकेशन मुझे पता नहीं होती लेकिन फायर वहाँ से आ रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ इसका हेड नजर आए, ये भैया जी की पेटी चमकाई। और यहाँ पर जो है ना ये मार डी के भैया, चेक करो। वाओ नाइस, थैंक यू डीके भाई। उसके बाद लूट शूट करके ना तो प्रोफेसर के ऊपर तीन बंदे अचानक से रश कर रहे थे। प्रोफेसर इनको तीन के ऊपर करता है, इनकी पेटी शेटी लूटते हैं हम। उसके बाद ये हाउ ब्रांड वाले हमारे पास आ जाते हैं। ये टावर में एक बंदा होता है कैंपर, ये उसको फायर दे रहा होता है, इसको नहीं होता पता हम भी यहीं पर ही हैं। इतने में प्रोफेसर टेट्रॉन को लोग ये नहीं देता हूँ, वहाँ से हाउ ब्रांड प्रोफेसर को नोक दे देता है। हालांकि यहाँ पे टेक्ट्रॉन वाई टी मुझे गाली देता है, प्यूसिंग करता है, मेरा मीटर आउट हो जाता है। ये जा रहे हाउ ब्रांड, ये मैं नेट कुक करता हूँ, वो भी नेट कुक करता है लेकिन उसका नेट तो मुझे लगता नहीं, और ये मेरे नेट से नोक हो जाता है। प्रोफेसर मार्क देता है कन्फर्म, ये नोक हुआ। बड़ा शोर मचाने लग जाते हैं भाई जी ये। तो दूसरा ग्रेनेड भी करता हूँ, उससे फिनिश नहीं होता। तो मैं जाके फिस्ट करता हूँ उसको, क्योंकि टेक्ट्रॉन ने मुझे गाली दी थी जो कि बहुत मतलब मुझे बुरा लगा, लेकिन कोई हेड वाला सीन नहीं हो रही अपने कारण होने पर बड़ा हो रहा होता। मतलब ये खुद भी बहुत मतलब बदतमीजी तरीके से गेम खेलता, पता भी होगा आप सबको। तो इतने में एक और स्क्वाड आती पीछे से, ये स्प्रे दे रहे होते मुझे। तकरीबन तीन या चार बंदे होते हैं, इनको मैं फायर देने करता हूँ, ये पेटियाँ लूटते हैं। ये वही हैं जिन पे प्रोफेसर ने 1v3 किया। मैं मोली करता हूँ और ये तीनों नोक हो जाते हैं इसी मोली से, ठीक है नोक होते हैं। इतने में वो टावर वाला मुझे फिनिश दे देता है ऊपर। ये इनके किल मैसेज भी आते हैं, वो देखो ऊपर किल मैसेज आ रहे हैं मोली के। तो मतलब दोबारा इसके साथ फाइट नहीं हो पाती मेरी,